हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ ये टॉपिक का 15th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस 4 ओहम रजिस्टर। देखो, ये सर्किट में ये है 4 ओहम रजिस्टर, इसके अक्रॉस का वोल्टेज और इसमें से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है। और ये हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग मेश एनालिसिस, यानी ही बाय यूजिंग केवीएल, दैट इज किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। सबसे पहले यहाँ पे सर्किट में चेक करेंगे क्या क्या दिया है। तो यहाँ पे दो लूप दिए हैं। देखो, जनरली जब कभी भी आपको प्रॉब्लम केवीएल से सॉल्व करना है तो आपको हमेशा पहले लूप चेक करना है कि वहां पे कितने लूप दिए हैं और लूप में कौन से कंपोनेंट है वो आपको चेक करना है। तो ये देखो, यहाँ पे दो लूप है। जो पहला लूप है, पहले लूप में यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बैटरी है, वोल्टेज सोर्स, देन ये रजिस्टर, ये रजिस्टर, ये रजिस्टर, ये लूप वन में आएगा। लेकिन लूप टू की अगर बात करें तो लूप टू में यहाँ पे करंट सोर्स दिया है। हम क्या करेंगे, इसको इजीली सॉल्व करने के लिए ये करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे बाय यूजिंग द रूल ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। करंट सोर्स को अगर आप वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लोगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करना और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको यहां पे दिख रहा है कि दो लूप है। अगर आप करंट सोर्स को कन्वर्ट कर लेंगे तो यहां पे दो के बजाय सिर्फ एक ही लूप रहेगा, और वो सिंगल लूप में जब आप केवीएल अप्लाई करोगे तो सॉल्व करना और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो चलो, ये करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हम एक यहां पे न्यू जो सर्किट है, एक न्यू सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए, हमने यहां लिखा है कन्वर्ट 2 एम्पियर करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स। तो उसके लिए देखो, हमने एक न्यू सर्किट यहां पे ड्रॉ कर लिया है। जो इधर के कंपोनेंट्स है वो एज इट इज रहेंगे, माने 2 वोल्ट का बैटरी जो है वो यहां पे एज इट इज रहेगा। तो हम यहां लिख लेंगे 2 वोल्ट। उसके सीरीज में 2 ओहम का यहां पे रजिस्टर है तो वो भी हम यहां शो कर लेंगे, दैट इज 2 ओहम। ये जो 4 ओहम है ये भी हमने यहां पे एज इट इज शो किया है। बस अब हमें क्या करना है, ये करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए वोल्टेज सोर्स का वैल्यू, यानी वी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वी का वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत आसान है। तो वी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है ओम्स लॉ का यूज करना है। यहां पे फार्मूला होता है वी इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, जस्ट आपको आई इंटू आर करना है। तो आई है 2 एम्पियर और इसके पैरेलल में 8 ओहम का रजिस्टर है, सो 2 हो गया आई और 8 हो गया आर। तो हम यहां पे लिख लेंगे 2 × 8, तो जाहिर सी बात है ये कितना आएगा, ये आएगा 16 वोल्ट का। यानी जो हम इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, वोल्टेज सोर्स में वोल्टेज का वैल्यू यहां पे क्या रहेगा, 16 वोल्ट रहेगा। तो देखो, इसके जगह, ये दोनों के जगह हमने यहां पे बैटरी जो कि वोल्टेज सोर्स है ये हमने शो किया है, और यहां पे लिख लेंगे यहां पे क्या वोल्टेज होगा, 16 वोल्ट। इसका प्लस ऊपर रहेगा, माइनस नीचे रहेगा, वो इसलिए क्योंकि यहां पर करंट का डायरेक्शन देखो अपवर्ड दिया है। करंट जो है वो प्लस टू माइनस शो करना होता है, कन्वेंशनल करंट। ठीक है, तो ये अपवर्ड है इसलिए इसका प्लस ऊपर रहेगा और माइनस नीचे, 16 वोल्ट इसका वोल्टेज रहेगा। और 2 एम्पियर के पैरेलल में जो 8 ओहम का रेजिस्टर है वही इसके सीरीज में रहेगा, तो वो हम यहां पे शो कर लेंगे 8 ओहम इसके सीरीज में। और इस तरह से फाइनली हमने करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लिए। ओके, और अब हमें यहां पे सॉल्व करना है, यहां पे केवीएल अप्लाई करना है, यानी ही हम इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग मेश एनालिसिस। तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या फाइंड आउट करना है, तो क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस 4 ओहम रजिस्टर। 4 ओहम के अक्रॉस कहां है 4 ओहम, तो ये देखो, ये लूप में सिंगल लूप है। अब यहां पर एक सिंगल लूप है, ठीक है, तो ये है 4 ओहम। ये 4 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट और 4 ओहम के अक्रॉस का वोल्टेज, ये दोनों हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो अब ये फाइंड आउट करेंगे। और यहां पे अगर आपको केवीएल अप्लाई करना है तो केवीएल जो है आप दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं। हम आपको एक काम करेंगे, दोनों तरीके बता देते हैं, दोनों के थ्रू आंसर देखना एक ही आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो फिर हमें बाद में कमेंट करके पूछते हैं कि सर हमने तो डायरेक्शन क्लॉकवाइज लिए आंसर अलग आया, आपने एंटी क्लॉकवाइज लिए थे आंसर अलग आया। तो ऐसा नहीं होता। देखो, हम आपको दोनों तरह से सॉल्व करके बताते हैं। ये लूप में करंट क्लॉकवाइज लेके भी सॉल्व करके देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज करके भी सॉल्व करके देते हैं। आंसर देखना है 100% एक ही आएगा। आप एग्जाम में दोनों में से कोई भी एक मेथड अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो, ये लूप में हम यहां पे करंट का डायरेक्शन कंसिडर करने वाले हैं, क्योंकि यहां पे हमें केवीएल अप्लाई करना है। तो देखो, ये हमने यहां पे पहले क्लॉकवाइज करंट ले लिया है। ये देखिए, ये हमने करंट का जो डायरेक्शन है वो क्या लिया है, क्लॉकवाइज, और इसको हम कहेंगे करंट आई। ठीक है,
पहले हम आपको क्लॉकवाइज लेके इक्वेशन लिख के बताएंगे, करंट आय का वैल्यू फाइंड आउट करके बताएंगे, बाद में हम आपको एंटी क्लॉकवाइज भी सॉल्व करके बताएंगे। दोनों के थ्रू आंसर सेम आने वाला है, तो हम यहां स्टेटमेंट में लिख लेंगे अप्लाई केवीएल इन द लूप। हमने लूप में केवीएल अप्लाई करना है, तो केवीएल अप्लाई करते समय आपको सिर्फ क्या करना है, वोल्टेज सोर्स की तरफ ध्यान दो। तो रूल क्या है, रूल ये है कि अगर करंट वोल्टेज सोर्स में नेगेटिव साइड से एंटर कर रहा है तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू नेगेटिव में लो, और अगर करंट वोल्टेज सोर्स में पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू पॉजिटिव में लो। ठीक है, इतना सिंपल सा रूल है। तो देखो ये लूप में ये हमने करंट क्लॉकवाइज लिया है, चलो चेक करेंगे, स्टार्ट करेंगे वोल्टेज सोर्स के साथ। तो ये वोल्टेज सोर्स में करंट कौन सी साइड से एंटर कर रहा है वो चेक करो। ठीक है, तो ये करंट ऐसा क्लॉकवाइज है और ये करंट ये वोल्टेज सोर्स में देखो नेगेटिव साइड से एंटर कर रहा है। देखो इसका प्लस ऊपर है, माइनस नीचे है, इसका मतलब वो करंट जो है आए ऐसा नीचे से एंटर कर रहा है, यानी यहां पे ये नेगेटिव साइड से एंटर कर रहा है, तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू हम यहां लिखते समय नेगेटिव में लिखेंगे। ठीक है, हो गया। और ये वोल्टेज सोर्स में अगर चेक करें तो ये वोल्टेज सोर्स में ये क्लॉकवाइज करंट वोल्टेज सोर्स में करंट देखो ये पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है, यहां से ऐसे जाएंगे और ऐसे पॉजिटिव साइड से एंटर करेंगे, ऐसे ऐसे प्लस के तरफ से, तो इसका जो वैल्यू है वो हम प्लस मिलेंगे, प्लस 16। ठीक है, ये भी वोल्टेज सोर्स ले लिए, ये भी वोल्टेज सोर्स ले लिए, और अब बाकी जितने भी रेजिस्टेंसेस है इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप लो, इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप प्लस इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप प्लस इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप। तो ये तीनों के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप अगर आपको ऐड करना है तो वोल्टेज ड्रॉप वी फाइंड आउट करने के लिए I इंटू आर करना है, तो इसमें से फ्लो होगा I, सो I इंटू टू यानी 2I, देन I इंटू 4 यानी 4I, देन इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप दैट इज 8I। तो सभी के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप हमने ऐड कर लिए, इसके अक्रॉस का वोल्टेज आया, इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप आया, इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप आया, इसके अक्रॉस का वोल्टेज भी आया। ठीक है, बस इक्वल टू जीरो करो और अब इसको सॉल्व करो, आई यहां पे मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा प्लस 14I इक्वल टू जीरो। सो ये हो गया 14I इक्वल टू ये माइनस ऑफ 14। ठीक है, सो आई का वैल्यू हमें यहां मिल जाएगा माइनस ऑफ 1 एम्पियर। तो ये देखो करंट का डायरेक्शन जो हमने क्लॉकवाइज लिए उसके अकॉर्डिंग ये करंट का वैल्यू हमें मिल गया कितना है 1 एम्पियर। लेकिन ध्यान में रखो ये जो करंट है 1 एम्पियर माइनस में आया है, ये क्लॉकवाइज के लिए आया है। जब हमने करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज के लिए ये करंट यहां पे माइनस में आया है। अगर आपको माइनस साइन यहां पे हटाना है तो हम ऐसा लिख लेंगे, देखो अगर आपने माइनस साइन हटा दिए तो इसका क्या मतलब होगा, देखो माइनस साइन अगर हमने हटा दिए तो आई इक्वल टू हो गया 1 एम्पियर। माइनस साइन को हमने यहां से निकाल दिए। अब माइनस साइन को निकालने से बस आपको यह चेंज करना है कि करंट का जो डायरेक्शन है वो चेंज करना है, जो पहले क्लॉकवाइज था वो अब एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, ओके, इसका मतलब यह है करंट आई 1 एम्पियर है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए। ठीक है, और आप यहां पे ऐसा कह सकते हैं कि करंट आई माइनस 1 एम्पियर है क्लॉकवाइज के लिए। तो आपको क्या लेके सॉल्व करना है ये चॉइस आपकी है। ये हो गया फर्स्ट मेथड। चलो अब सेकंड मेथड भी आपको दे देते हैं, लेकिन क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो था फाइंड द करंट थ्रू 4 ओहम। तो क्या 4 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट मिल गया? यस, 4 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट यहां पर मिल गया। 4 ओहम में से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 4 ओहम में से 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, और ये 1 एम्पियर जो है ये देखो अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज लिए तो 4 ओहम में से ऐसा देखो इधर से ऐसा ये देखो इधर से लेफ्ट साइड में करंट का डायरेक्शन ये देखो ये है करंट आई जो 4 ओहम में से फ्लो हो रहा है, और ये करंट आई का वैल्यू यहां पे है 1 एम्पियर। बस आपको 4 के अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करना है, तो वोल्टेज भी फाइंड आउट कर लेंगे लेकिन उसको हम बाद में फाइंड आउट करेंगे। चलो अब सेकंड मेथड बताते हैं आपको ताकि आपका पूरा कंफ्यूजन ही दूर हो जाए। ठीक है, तो ये देखो यहां पे लिखते हैं सेकंड मेथड में हमें क्या करना है, लूप में करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज लेके सॉल्व करना है। तो हम देखो इसको चेंज कर लेंगे, ये हमने देखो चेंज कर दिए, ये आ गया करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो बस ये जो इक्वेशन है इसमें फर्क पड़ेगा, बाकी आंसर तो 100% सेम आएगा। चलो सॉल्व करके बताते हैं आपको। ठीक है, तो हमने इस बार एंटी क्लॉकवाइज लिए, रूल तो बिल्कुल सेम है जो हमने आपको रूल कहा था कि वोल्टेज सोर्स में करंट अगर नेगेटिव साइड से एंटर कर रहा है तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू नेगेटिव में लो, और अगर करंट वोल्टेज सोर्स में
प्लस साइन से अगर एंटर करेगा तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू प्लस में लो, ठीक है, रूल वही है। तो ये देखो ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है, तो देखो एंटी क्लॉकवाइज है तो ये बैटरी में ये वोल्टेज सोर्स में करंट कौन से साइड से एंटर कर रहा है, तो ये ऐसा पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है, देखो ऐसा प्लस साइड से एंटर कर रहा है। अगर वो प्लस साइड की तरफ से एंटर कर रहा है तो इसका वैल्यू प्लस में लेंगे, तो ये हमने लिख लिया प्लस में। और ये बैटरी में ये वोल्टेज सोर्स में ये जो करंट है जो ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है वो ऐसा यहाँ पे माइनस साइन की तरफ से एंटर कर रहा है, देखो इधर से एंटर कर रहा है, इधर से ऐसा, तो ये निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है, तो इसका वैल्यू जो है वो हम यहाँ निगेटिव में लेंगे, दैट इज माइनस 16 हो गया। और अब रिमेनिंग जो एलिमेंट्स है वो सेम टू सेम रहेंगे, इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप प्लस इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप प्लस इसके अक्रॉस का, तो वो सेम रहेगा, 2 × I प्लस 4 × I प्लस 8 × I इक्वल टू 0, बिल्कुल सेम टू सेम है। देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में क्या चेंज हुआ, चेंज सिर्फ यहां पे हुआ वोल्टेज सोर्स में, देखो यहां माइनस प्लस था, यहां पे प्लस माइनस हो गया, बाकी पूरा कंटेंट सेम है। इसको सॉल्व करो तो ये दोनों में सब्सट्रैक्शन हो गया माइनस 14, इन तीनों में एडिशन हो गया 14I इक्वल टू 0, और ये हो गया यहां पे 14I इक्वल टू 14, सो I इक्वल टू आया 1 एम्पियर। और ये कौन से डायरेक्शन के लिए है, तो वो हम यहां पे शो करेंगे, ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए है, ये देखो ये हमने इसके सामने लिख लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब हमने लिए देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब हमने लिए तो करंट आया 1 एम्पियर, ये देखो यहां पे भी तो वही आया था, ये देखो करंट आया 1 एम्पियर एंटी क्लॉकवाइज के लिए है, और माइनस 1 एम्पियर क्लॉकवाइज के लिए। अगर आप चाहें तो यहां पे साइन चेंज करो, ये प्लस में है, अगर आपको इसको माइनस में लिखना है तो ये हो गया माइनस वन एम्पियर, और इसके सामने आप यहां पे क्लॉकवाइज ऐसा शो कर लेंगे, डायरेक्शन हमने चेंज किए तो साइन चेंज हो गया। तो ये देखिए बताइए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, डिफरेंस सिर्फ डायरेक्शन का है, ठीक है। इस ये जो हमने लिखे थे ये क्लॉकवाइज के लिए हमने तैयार किए थे, ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए तैयार किए, कुछ भी करो आंसर जो है इसके थ्रू भी वही आया है, इसके थ्रू भी वही आया है। अब आपको एग्जाम में ये लेके सॉल्व करना है तो ऐसा बनाओ, ऐसा सॉल्व करना है तो ऐसा बनाओ, दोनों में फुल मार्क्स दिए जाएंगे। वैसे आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर जो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं आपको वो मेथड फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो फाइनली हमने आपको दोनों मेथड तो बता दिए, प्रॉब्लम पूरा नहीं हुआ है, क्वेश्चन में कहा था फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रजिस्टर, तो हम यहां पे लिख लेंगे करंट I, देखो अब ये फाइनल यहां पे कंक्लूजन लिख रहे करंट I थ्रू 4 ओम, तो I के नीचे यहां पे बेस में लिख लिए 4 ओम, करंट I थ्रू 4 ओम इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 एम्पियर, और इसका डायरेक्शन रहेगा टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। ये देखो हमने यहां लिखा है 4 ओम में से फ्लो होने वाला करंट है I, और ये है 1 एम्पियर, और इसका डायरेक्शन है लेफ्टवर्ड, ठीक है। तो ये हमने फाइनली शो कर लिए, लेकिन प्रॉब्लम इसलिए कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि अब 4 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो चलो वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे, एंड दैट इज वोल्टेज V अक्रॉस 4 ओम, ठीक है, 4 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज V अक्रॉस 4 ओम, तो उसके लिए आपको यही फार्मूले का यूज करना है जो कि ओम्स लॉ है, V इक्वल टू I × R, तो उसके लिए I थ्रू 4 ओम × R, ठीक है, 4 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए 4 ओम में से फ्लो होने वाला करंट × R, यानी I × R, I थ्रू 4 ओम × R, तो ये है 1 × 4, तो ये हो गया 4 वोल्ट। तो फाइनली वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम ये भी पता चल गया, वो क्या मिला है, 4 वोल्ट का वोल्टेज है 4 ओम के अक्रॉस। और इस तरह से फाइनली जो प्रॉब्लम में फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो ये हमने फाइंड आउट कर लिए, प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा, ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। इस तरह के प्रॉब्लम्स अगर आप दोनों तरीके से सॉल्व करोगे तो आपका जो भी कंफ्यूजन है वो पूरा दूर हो जाएगा। तो ये था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 15। इसके पहले जो हमने इसके 14 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।